माननीय सोम प्रकाश कैंट जी के प्रयासों की कोठी तो बिंदू जोहल जी जो यूके के और सतनाम सिंह वाड़ा जी उन्होंने प्रयास में 50 वार्डा के लगातार उन्होंने प्रयास में 3-3, 4-4 वार्ड मेहनत कर रहे हैं। कोरोना की दूजी लहर नाल लोकां दे सिर ते खतरा मंडरा रहा है, जिस ते ठल पाउण लई सरकार वल्लों नवीआं नवीआं गाइडलाइनस जारी कीतीआं जा रहीआं ने। इसी तरह लोकां ने सकातक बीमारी तो बचाउण लई लगातार वर्ल्ड वाइड स्कोप वैलफेयर सोसायटी वल्लों अपना वड्डा सहयोग दिता जा रहा है, जिन्हां वल्लों अहम उपराला करदे होए धार्मिक स्थानां तों इलावा फगवाड़ा शहर दे वख-वख मुहल्लिआं नूं वी सैनीटाइज करवाया जा रहा है। इसी तरह अज भी वर्ल्ड वाइड स्कोप वेलफेयर सोसायटी के सरप्रस्त बिंदू जोहल यूके ते सतनाम सिंह बाहड़ा वालों साबका मेयर अरुण खोसला की अगवाई दे विच वार्ड नंबर 3 विच सैनिटाइज किया गया, जिसके चलदियां साबका मेयर अरुण खोसला ने सोम प्रकाश कैंत अनीता सोम प्रकाश ते वर्ल्ड वाइड स्कोप वेलफेयर सोसायटी की टीम का तय दिलों धन्यवाद किया। पिछले दिन ही लगातार माननीय सोम प्रकाश कैंत जी के प्रयासों की कोठी तो बिंदू जोहल जी जो यूके के और सतनाम सिंह वाड़ा जी उन्होंने प्रयास में 50 वार्डा के लगातार उन्होंने प्रयास में 3-3, 4-4 वार्ड मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने वलंटियर अज मेरे वार्ड 2 वार्ड जो 3 नंबर वार्ड मेरी भाई ममता खुसला खड़ रही है, अज असी खड़े हाँ स्टार्च मेल पक्का बाग मंदिर रामगढ़िया कोल, इतने भी सैनिटाइज की आ, शाम का टाइम हो गया, अज घर के बाहर जिन्नी सैनिटाइज बड़ी तेजी की आ, और ये गौशाला रोड, सराया रोड, निमला चौंक, हनुमानगढ़ी मंदिर, गौशाला रोड, होर भी जोड़ा एरिया असं अब कवर किए हैं। और मैं बिंदू जोहल जी का सतनाम सिंह वाड़ा जी का बहुत धन्यवाद करता, उन्होंने स्टार्टिंग माननीय साडे सोम प्रकाश कैन जी के घर तो शुरू की सी, 50 वार्डा जी लगातार कर रहे हैं। मैं बड़ी खुशी आ भी अच्छ बिंदू जोहल जी ने जो प्रयास वाड़े किया होर कोई कर नहीं सकता, ये लगातार NRI सहयोग के नाल हो रहा। सतनाम सिंह जो साडे वाड़ा साहब वो बड़े अपने फुवाड़े रेंदे आ, और अज बाहर इंग्लैंड माननीय सोम प्रकाश कैन जी करोना करके ठीक हो गए, उन्होंने प्रयास के नाल सारी सेंटर 50 वाड़े चल रही है। मैं अज के दिन से बिंदू जोहल जी का, सतनाम सिंह वाड़ा जी का, माननीय सोम प्रकाश कैन जी और मैडम नीता सोम प्रकाश जी के प्रयास के नाल अज जी सेंटर हुई है, वह बहुत बहुत, और मेरे वार्ड के सारे इतने बंदे खड़े हैं, मैं इन्हों का भी धन्यवाद करता, इन्होंने कोल खड़ के अपन दुकानों के बाद सेंटर कराई आ, शाम का टाइम हो गया जी, दुकाना बंद सी, और बहुत वधिया सेंटर हुई है। धन्यवाद, जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, सांझ टीवी। दुख तो ना घबराओ, सानू फोन लगाओ। गुरु अजमेरी बाबा जी। MBA करन तो बाद नौकरी दी मैं इधर उधर बहुत अके खाते, पर मेरी किते भी कोई गल नहीं बनी। फिर एक दिन मैनू मेरे यार दोस्त ने बाबा जी बारे दस्या, फिर की, फिर मैं बाबा जी को ले गया। बाबा जी दी ऐसी मेहर, उन्होंने तो मेरी अखा ही खोल दित्तियां। अज देखो मैं नौकरी नहीं अपना बिजनेस कर रहा। धन्यवाद बाबा जी। काले इलम दा कुछ घंटियां च ही समाधान, गारंटी दे नाल हर इलम दे माहिर। मैं अपनी लंबी जू लेके बहुत परेशान सी, बहुत जगह जगह घूमी पर कोई समाधान नहीं मिलिया। फिर मैनू किसी ने बाबा जी ने बारे दसिया, मैं बाबा जी दे दरबार गई। बाबा जी ने तो कुछ घंटिया विच ही मेरी सारी समस्या दा समाधान कर दिता। मेरा रिहा उथे पक्का हो गया जिथे मैं चाहती सी। मैं दिलो धन्यवाद करदी हां बाबा जी। जिस तरह नौकरी, कारोबार, विदेश यात्रा, ग्रह क्लेश, लाभ मेजर समस्या, जादू टोना कीता कराया, सौंकन दुश्मन दा सर्वनाश करवाओ, वो भी घर बैठे, वशीकरण मुटकरणी दे सुपर स्पेशलिस्ट। मेरा हमेशा घर विच लड़ाई झगड़ा चलदा रहंदा सी। मेरी घर वाली सोचदी सी कि मेरा किसी होर नाल चक्कर चल रहा है। मैं बहुत परेशान रहन लगा। एक दिन मैं बाबा जी दे दरबार चला गया ते बाबा जी ने मैनूं छोटा जिहा उपाय दस्या। उस उपाय दे नाल मेरी जिंदगी खुशहाल रहन लगी। धन्यवाद बाबा जी। अज ही मिलो गुरु अजमेरी बाबा जी नूं, जिन्हां दा मोबाइल नंबर है 9815460154 लुधियाना।